वेलकम गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस ये है यामाहा की RN5 V3 और आज हम करेंगे इसका रियल माइलेज टेस्ट। इसके पहले भी हमने RN5 V3 का यानी कि इसी बाइक का रियल माइलेज टेस्ट किया था जब 500 किलोमीटर की राइड कंप्लीट हुई थी और अभी ये 10,000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं इसमें। तो 10,000 किलोमीटर के बाद देखते हैं कि कितना माइलेज निकल के आता है। और आपको बता दूं 500 किलोमीटर के बाद जो मैंने माइलेज टेस्ट किया था ना तो उसमें माइलेज बहुत कमाल का निकला था, मतलब अनएक्सपेक्टेड माइलेज था। एग्जैक्ट माइलेज कितना था 500 किलोमीटर के बाद वो आई बटन में वीडियो है, वहाँ से आप देख सकते हो। बट आपको बता दूँ 50 प्लस माइलेज निकला था 500 किलोमीटर की राइड के बाद। तो चलो अभी 10,000 किलोमीटर हो गए हैं तो अभी चेक करते हैं कि अभी कितना माइलेज है। अभी थोड़ा सा माइलेज डाउन हो गया है ऐसा, मतलब मैंने राइड किया तो मुझे फील हुआ ऐसा। बट एग्जैक्ट कितना डाउन हुआ है, एग्जैक्ट कितना माइलेज अभी मिल रहा है 10,000 किलोमीटर की राइड के बाद, चेक करके पता करते हैं, ठीक। और आपको बता दूँ मैं कैसे चेक करने वाला हूँ इसमें। तो अपन क्या करेंगे, इसमें फुल टैंक पेट्रोल डलाएंगे और इंस्ट्रूमेंट कंसोल का जो रीडिंग है, मतलब जो ट्रिप मीटर की रीडिंग, उसको जीरो कर देंगे और साथ ही साथ में आपको ओडोमीटर की भी रीडिंग दिखाएंगे। फिर उसके बाद 40 से 50 किलोमीटर की राइड करेंगे, फिर दोबारा फ्यूल टैंक को फुल कराएंगे। तो फिर अंदाज़ा लग जाएगा कि इतना फ्यूल अभी अपने दोबारा डलवाया तो इतने फ्यूल में इतने किलोमीटर चलती है तो माइलेज इसका कितना निकलेगा। अभी मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो चलो फिर चलते हैं पेट्रोल पंप, वहाँ पर टैंक को करवाते हैं फुल और साथ ही साथ में इंस्ट्रूमेंट कंसोल के ट्रिप मीटर को भी जीरो सेट करते हैं। तो गाइस ये मैं आ गया पेट्रोल पंप, चलो करवाते हैं टैंक को फुल। फुल कर दो भाई। गाइज आप ध्यान से देखना, जितना मैं अभी इनिशियली इसमें फिल करवाऊंगा पेट्रोल उतना ही फाइनली भी अपने को फिल कराना पड़ेगा तभी एग्जैक्ट माइलेज निकलेगा। तो ये आप देखो बाहर आ गया है, ठीक। अभी मैं आपको हाथ से मेज़र करके दिखाता हूँ। तो ये आप देखो उंगली से बस थोड़ा सा ही ऊपर है। अब चलो साइड में लगा के मीटर को कर देते हैं ज़ीरो में सेट। तो ये आप देख सकते हो मैंने ट्रिप मीटर 1 को कर दिया 0 में सेट। ये आप ओडोमीटर की रीडिंग देखो 10,786, तो ओडोमीटर से आपको ज़्यादा क्लियर लग जाएगा और मैंने ट्रिप मीटर को भी 0 सेट कर दिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं राइड। और गाइज मैं अभी हर एक कंडीशन में राइड करने वाला हूँ, लगभग 60-70 किलोमीटर चलाऊंगा और उसके बाद ही दोबारा मैं टैंक को फुल कराऊंगा। और गाइज अगर आप यह बाइक ओन करते हो तो अपना एग्जैक्ट माइलेज कितना है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना, ठीक है। तो अभी अपन फाइनली 70 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं और मैं दोबारा पेट्रोल पंप में आके फ्यूल को करवाता हूँ फुल और देखते हैं कितना फ्यूल लगा अभी ये 70 किलोमीटर की राइड में, फिर उससे अपन एग्जैक्ट माइलेज निकाल लेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये करवाते हैं फुल और आप ध्यान रखना उतना ही फुल करवाना है जितना इनिशियली फिल करवाया था। ये आप देखना ध्यान से थोड़ा सा और। ओके, तो अभी आप देखो मैंने 1.4 लीटर पेट्रोल डलवाया है 106 रुपये का। तो 1.4 लीटर में चलती है कितने किलोमीटर, चलो आगे साइड में लगा के देखते हैं एग्जैक्ट। लीटर में चलती है 70.6 किलोमीटर। तो इनिशियल ओडोमीटर की रीडिंग और फाइनल ओडोमीटर की रीडिंग को अगर आप डिफरेंस करोगे तो 70.6 ही आएगा, मतलब जो राइड है हमारी 70.6 किलोमीटर की है और फ्यूल कंजप्शन है 1.4 लीटर। 70.6 डिवाइड बाय 1.4,
तो माइलेज निकल के आता है अपना 50.4। तो गाइस बहुत ही कमाल का माइलेज है, अनएक्सपेक्टेड माइलेज है। और आपको बता दूं, अगर मैं थोड़ा और रफली राइड करता तो 48 तक जाता या 45 तक जाता, तो वो भी कमाल का माइलेज होता। 10,000 किलोमीटर की राइड कंप्लीट होने के बाद भी ये बाइक 50 का माइलेज निकाल रही है, जो कि मुझे नहीं लगता कि आपको कोई अदर बाइक इतने परफॉर्मेंस के साथ निकाल के देगी। तो बिल्कुल माइलेज के टर्म्स में मैं हमेशा ये इस बाइक से बहुत हैप्पी हूँ, बिल्कुल ले सकते हो आप इसको, माइलेज बहुत ही कमाल का है। बाकी अगर आपके पास ये बाइक है, अपना कमेंट बॉक्स में एग्जैक्ट माइलेज बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून।